जनाब, पूरी महाभारत किसने सुनी और सुनाई है? ऐसा कहा जाता है कि जिसने एक जन्म में पूरी महाभारत सुन ली उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हम आपके सामने महाभारत का सिर्फ एक अध्याय पेश करेंगे, मगर जैसे बिरयानी की देख से एक चावल से पूरी देख की गलावट का अंदाज़ा लग जाता है, वैसे ही आप अगर ये अध्याय ध्यान से कर्ण का सुन लेंगे तो आपका जीवन सफल हो सकता है। तो ये दास्तान पेश होगी दानियों में दानी, राजाओं में राजा, सूरमाओं में सूरमा, महावीर, परमवीर, शूरवीर कर्ण वसुषेण की। कि कलम अब दिखावे करण के हुनर, कलम अब दिखावे करण के हुनर, कि मानिंद खुर्शीद था जलवगर। करण जब जमाने में पैदा हुआ, अजब नूर खालिक हुवैदा हुआ। तिलाई जिरह थी बदन पर पड़ी, जिया में फुजू माह से हर घड़ी। अजब गोशवारा पड़ा गोश में, लताफत का दरिया बढ़ा जोश में। जबरदस्त नजरों में थे जेरे दस्त, वो ताकत की पामाल हो पीले मस्त। हर एक देख कर उसको हैरान हुआ, हर एक देख कर उसको हैरान हुआ। सितारों में खुर्शीद दावा हुआ। तो दास्तान की शुरुआत उस शख्सियत के बयान से जिसकी महिमा बयान करने के लिए श्री व्यास जी ने इस महाभारत को रचा, और वो थे अंतर्यामी सर्वेश्वर परम सत्य श्री कृष्ण महाराज। कि कृष्ण का हूँ पुजारी, अली का बंदा हूँ, यगाना शान खुदा देख कर रहा न गया। तो अब देखिए कि श्री कृष्ण जी पाकिस्तान में लिखे गए खलीफा अब्दुल हकीम के तर्जुमे, गीता के तर्जुमे में खुद का बयान कैसे देते हैं। कि जो महर्षि हूं तो भृगु समझ, गुलिस्तान इरफान की खुशबू समझ। मैं गोयाई में हूं अलिफ वाव मीम, कि है इसमें आजम ये लफ्ज़े कदीम। दरख्तों में पीपल का हूं मैं दरख्त, तो ऋषियों में हूँ नारदे नेक बख्त। गंधर्वों में हूँ मैं चित्ररथ मिसाल, कपिल सा हूँ सिद्धों में मैं बा कमाल। मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, दिल अफरोज नगमों से खुरसंद हूँ। जो सांपों में पूछो तो हूँ बासुकी, कि है खौफनाक इसमें कुवत भरी, कि है खौफनाक इसमें कुवत भरी। महीनों में बैसाख ऋतु में बसंत, अगरचे न आगाज मेरा न अंत, अगरचे न आगाज मेरा न अंत।